हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल पिंकी रानी की रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे, खुश होंगे। और आप सभी फ्रेंड्स को हैप्पी करवा चौथ। आज बहुत बड़ा दिन है हम लेडीज़ों के लिए, जो आज हम अपने पति के लिए करवा चौथ व्रत रखते हैं, सारे दिन उपवास रखते हैं और फिर शाम को वो उपवास व्रत खोलते हैं। उसके लिए हैप्पी करवा चौथ और सब सेफ रहो, खुश रहो अपनी लाइफ में। और फ्रेंड्स, आज जो मैं हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए प्रोटीन युक्त आयरन फॉलिक एसिड युक्त चने मिक्स, मूंग दाल और बेसन युक्त, ये थोड़ी सी है ये पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लाभदायक भी है, उनके और उनके होने वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, उनके शरीर के विकास के लिए, बच्चों होने वाले बच्चों के शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है ये, और प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए भी लाभदायक है। फ्रेंड्स, ये हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसमें बेसन है, मूंग की दाल का पेस्ट है इसमें, और जो भी हमने मसाले ऐड किए वो भी आपको हमने दिखा दिए, और ये चने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा पानी बॉयल होने लगा है, तो उस पर हमें ये छन्नी रख देंगे, इस तरह से रख देंगे, और उसके बाद में ये जो पकौड़ी है इसी में बनाएंगे। जो चने हैं वो चने हम इसमें थोड़े ऐड कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चने भी जो है उसको भी हम इस तरह से चने हम इसमें ऐड करके इसके अंदर जाएं और हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। छोटी छोटी बनानी है चाहे बड़ी बड़ी बनानी, जैसे आपको जो ठीक लगे वैसा आप करें, और इस तरह से ही इसको बनाएं। फिर हम इस पे स्टीम होने इसको रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या है कि इसकी जो स्मेल है चनों की या फिर मूंग की दाल की, और यहाँ तक कि मसाले की कम आनी शुरू हो जाएगी इसकी रीजन से, इस कारण से प्रेग्नेंट लेडी से खा भी नहीं सकती हैं ठीक से। कुछ होती हैं जो सारे दिन उल्टियाँ करती रहती हैं, वर्डिंग भी होती रहती है, कुछ भी खाते पीने की इच्छा भी नहीं होती, और खाती वो भी निकल जाती है, कहीं वो किसी चीज़ की स्मेल आने लगती है, कहीं किसी चीज़ की। अक्सर रोटियां हम लोग खाते हैं उनमें भी स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से वो नहीं खा पाती है। मेरा भी यही हाल था और रहता है, मेरे दो बच्चे हैं तो मुझे पता है कि क्या मतलब उन पर बीतती है और किस तरह से वो अपने टाइम को फेस कर पाती हैं, जो टाइम प्रेगनेंसी के टाइम होता है। मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, और हाँ, अलग करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, फिर भी आपको अगर इसमें कुछ मतलब गलत लगता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, और पहली बार मेरे चैनल पर अगर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि फ्रेंड मैं अब ज़्यादा कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकती क्योंकि अपने बारे में, मगर पर मैं कुछ नया करने की हर बार में कोशिश करती हूँ, हर ब्लॉग में, हर वीडियो में, जितनी जानकारी मेरे पास है तो लेडीज़ या छोटे बच्चों के लिए वो भी मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ, और कुछ नया बना के खिलाने की या फिर आपके एहसास शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि आप इसको देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हो सके तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करने से ही मुझे पता चलेगा कि मैं जो बोल कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं। और फ्रेंड्स, इसको खाने जरूर, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाभकारी चीज़ें हैं, इस्तेमाल होती हैं और मैंने की हैं, इससे जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए बड़े फ़ायदेमंद वाली चीज़ है ये, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं समय से पहले। अगर इसकी नहीं, सबसे बड़ी बात है प्रोटीन आयरन की कमी, इसकी वजह से ही बच्चे का शरीर भी विकास नहीं कर पाता ठीक से, और अनीमिया की कमी से, आयरन की कमी से, खून की कमी से लेडीज जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और शरीर की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, हम लोगों की ताकत होती है उसको कम, आयरन की कमी से कमी हो जाती है, और पानी की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे इसमें फ़ायदा है अगर इसको इस्तेमाल करें, कमी रहता है। और प्रोटीन तो युक्त तो है ही ये, क्योंकि इसमें मूंग की दाल है और चने हैं, तो ये प्रोटीन युक्त है, फास्फोरस है इसमें, बहुत सारे विटामिन हैं, तो इसको खाना चाहिए। वैसे अब इसको हम ऐसे ढक देंगे और 5 मिनट तक इसको स्टीम देंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तैयार हो जाएंगी।
फिर इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। देख भी लिया थोड़ा स्टीम हो गया था, तो उसको मैंने पलट दिया है इससे तो जल्दी हो जाए। ये जो है इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से स्टीम हो जाएगी, जैसे मोमोज बनते हैं ठीक वैसे ही हो जाएगी। और ये जो है इस छन्नी के नीचे थोड़ी थोड़ी इसकी आ गई है, ये चिपक गई है, ये तो ये चिपकेगी नहीं क्योंकि इस पे मैंने ऑयल लगाया है, क्योंकि हम इसको बाद में फ्राई भी करेंगे। और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको लिए तो ऑयल ज़्यादा ठीक नहीं होता खाना, और इसलिए मैंने इसमें इस छन्नी में नहीं लगाया था। अच्छा, अगर आप जब भी कभी इसको बनाएं तो नीचे ये छन्नी है उसमें थोड़ा ऑयल लगा लें, जिसकी वजह से ये चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं और पकौड़ी ठीक ठाक से आपको सेफली मिल जाएगी और बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो ही गया है हमारा, थोड़ा सा ये है और इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं, ये क्योंकि अब ये ठीक हो गया है और ठीक से ये स्टीम हो गई है, तो उसको हम निकाल देंगे इस बर्तन में। फ्रेंड्स ये बनके इस तरह से स्टीम किए तो ये इस तरह से हो गई हैं। अब इसको हमने इसमें कढ़ाई रख दी और कढ़ाई पर थोड़ा तेल भी डाल दिया ताकि फ्राई कर लिया। अब फ्रेंड्स वैसे आपकी तो इच्छा है, आप जैसे चाहें आप वैसे खा सकती हैं इसको, ये चटनी के हिसाब से चाहें तो आप फ्राई करके भी खा सकती हैं या फिर इस तरह से भी खा सकती हैं, क्योंकि इसमें जो स्मेल आती है मूंग की दाल की स्मेल और जो चने होते हैं उनकी भी स्मेल आती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए कोई पता नहीं किस चीज़ में कितनी ज़्यादा स्मेल आती है, और नहीं भी आती किसी चीज़ में, बहुत अच्छी लगती है और कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। सो मैंने इसलिए ये दो तरह के बनाने की कोशिश की है कि एक तो सिंपली रखूँगी और आपको शायद खाने में भी टेस्टी लगे चटनी के हिसाब से, चाहे चटनी हरी धनिया वाली हो या फिर ये लाल चटनी हो, पर यह है कि मेरा ये सजेशन है कि लाल चटनी जो होती है वो काफ़ी हानिकारक होती है कुछ लेडीज़ों के लिए, ज़्यादा पेट में जलन पड़ने लगती है, उन्हें खा तो लेती है टेस्ट टेस्ट में पर उनको बाद में नुकसान हो जाता है, कब्ज का भी हो सकता है, संभावना हो जाती है। तो आप हरी मिर्ची ही अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फ्रेंड कुछ जो है मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं प्रेगनेंट थी तो मुझे फ्राई करी हुई पसंद आती थी, तो मैं उनको फ्राई करके ही खाती थी उनको, तो इसलिए खाना भी चाहिए क्योंकि इससे जो है थोड़ा तेल की मात्रा हमारे शरीर में मतलब पर्याप्त हो जाती है और मिक्स हो जाती है, तो हमें खानी चाहिए। फ्रेंड्स इससे खाने से फ़ायदे तो काफ़ी हैं, काफ़ी हद तक हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चों के लिए सारे फायदे फायदे हैं इसमें मूंग की दाल और चना में, पर उसके साथ में थोड़े नुकसान भी है, क्योंकि हम अक्सर रात को भिगो कर सुबह में ही भिगे हुए चने या मूंग की दाल का प्रयोग करते हैं और खाने खाते हैं, पर फ्रेंड्स सिर्फ एक ही रात में अगर शाम को भिगोई सुबह ही उसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ही सही है। और इसके लिए अगर सोचे कि आज नहीं, फ्रेंड्स ये जो है मैंने जो पहली वाली जो डाली थी ये थोड़ी तेज है जो मैंने तल दी है, क्योंकि मुझे कुरकुरी कुरकुरी तली हुई अच्छी लगती है तेज तेज, और अगर आप चाहें तो तेल मतलब तेज करके भी इस तरह से भी खा सकती हैं, और अगर कम खाना चाहें तो कम भी तल सकती हैं इसको तल के और खा सकती हैं, क्योंकि ये तो अपना अपना टेस्ट होता है और खाने की क्वांटिटी होती है, जिस तरह से आपको पसंद हो जैसे पसंद हो वैसा ही आप करें। पर फ्रेंड्स आप प्लीज़ इसको देखना और देख के शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ प्लीज़ और कमेंट जरूर करना, क्योंकि हर बार मैं ये बोलती हूँ क्योंकि आप अगर कमेंट मुझे नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये जो भी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए और करने की कोशिश कर रही हूँ कुछ नया से नया, तो पर ठीक जा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी तैयार हो ही गई है, चटनी भी तैयार हो गई, अब हम इसको प्लेटिंग कर देते हैं। प्लेटिंग करने के बाद आप देखना कि ये ठीक है या नहीं है। इसमें रख देते हैं और शेयर करना जरूर, मुझे कमेंट में करके जरूरी बताना और लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स मैं ये नहीं बोलती कि मैं जो कर रही हूँ वो सबसे स्पेशली कर रही हूँ, पर कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको उम्मीद करती हूँ कि पसंद ही आएगा फ्रेंड्स, और देख लेना क्योंकि हम सब इंसान ही हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, हो जाती हैं, जो मैंने किया है वो मैं हमेशा करती रहूँ, उसके लिए कुछ अच्छे से अच्छा उपयोग करूँ आपके लिए। तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और घंटी जरूर दबाना, ताकि आगे की वीडियो जो हो है वो आप लोगों हमारी मिलती मेरी मिलती रहे। तो प्लीज़ इसको देख लेना, और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको पूरा देख के फिर जाना, और आप खुद ही कमेंट कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि ये सब ठीक है
या नहीं है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है पिंकी रानी की रसोई से, और आगे की जो भी है अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।